हाँ जी, तो आप सोच रहे होंगे कि हम आए कहाँ से और हमें जाना कहाँ है। तो ये जानने के लिए जाना पड़ेगा थोड़ा फ्लैशबैक, लेकिन उससे पहले थोड़ा पानी वानी पी लीजिए क्योंकि कहानी है थोड़ी सी लंबी, और अगर इसे पूरा नहीं देखा तो सफ़र में मज़ा कैसे आएगा यारों। तो चलते हैं फिर फ्लैशबैक में। तो यारों, कहानी की शुरुआत होती है सुबह सुबह पिंक सिटी की सड़कों से। और स्टार्टिंग में ही हुई भैया गाड़ी की टंकी खाली। तो फिर क्या था, हमारे कुछ साथी उधर टंकी फुल करा रहे थे और हम इधर अपनी टंकियां खाली कर रहे थे। तो फाइनली अपना अपना काम पूरा करने के बाद हमने इस सफर को रखा जारी। तो हम थे रास्ते में भानगढ़ से कुछ किलोमीटर दूर, और जगह थी भूतिया। हमें जाने में जितना डर लग रहा था उससे भी ज्यादा डरावने थे नज़ारे, लेकिन वो नज़ारे जितने डरावने थे उतने ही हसीन भी। और इन्हीं हसीन वादियों को देखते देखते कब हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। इतनी मशक्कतें करने के बाद भानगढ़ हमारे सामने था, और हम उसके फिर हमसे तो रुका गया नहीं। तो चलो चलते हैं, मिलाते हैं आपको इसकी प्राचीन दीवारों से और कुछ प्राचीन रीति रिवाजों से। वैसे यार थोड़े से रोंगटे तो खड़े हो रहे, क्योंकि इसके बारे में जो सुना है तो कुछ भूत भी इंतजार कर रहे हैं अंदर। अरे चलो चलते हैं, तो लेट्स गो। पीछे आपको देख लिया आपने, ये थोड़ा सा कुआं है और यहाँ पर क्या थोड़ा अजीब सी फीलिंग हो रही है। बोलती है ना अजीब सी, नेचुरली बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, काफी एकदम अजीब सा लग रहा है। अब क्या बताऊँ उसके बारे में। आगे बिहार जैसा महल है, वहाँ पर चलते हैं, देखते क्या। काफी अजीब सा लग रहा है, वो दोनों वहाँ पर शूटिंग कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर हैं। अरे ये हाथ किसका है? ओ
अरे सच में डर गया मैं तो। भाड़ा दिख रहा है कितना अमेजिंग है, मतलब इसके फ्रंट आप देख रहे हो हॉन्टेड, मतलब ये वर्ल्ड वर्ल्ड के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस के अंदर से आता है। अंदर ना एक अलग ही सील है यहाँ पे, अंदर नहीं नहीं अंदर जाके नहीं दिखाएंगे हम, ये कुछ ज्यादा हॉन्टेड है, हमें नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। चलो आ जाओ, सो गाइस हमने मतलब कुछ ज्यादा ही हॉन्टेड वाला, कुछ ज्यादा ही हॉन्टेड वाली फीलिंग ले ली भाई। आपने वो देखा होगा फेयर फाइल्स की एक शूटिंग इस जगह की भी है, और अभी अंदर तो बहुत कुछ है। और चलते हैं, मतलब मेन गेट से ना टिकट लिया था 4 दिनों के लिए। जैसे अगर आप मतलब मेन गेट के अंदर घुसोगे ना, मतलब कुछ अलग ही फीलिंग हो जाएगी। मतलब यहाँ के जो ट्रीज है ना, मतलब हॉन्टेड, आप देख सकते हो इस ट्री को देखो गाइज, हॉन्टेड ट्री है यार ये। वो आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा ढंग से, मैं दिखाऊंगा अच्छे से, बट मतलब आप सोच सकते हो वर्ल्ड के टॉप 10 हॉन्टेड एरियाज में से एक है ये, तो क्या फीलिंग होगी। और यहाँ का मौसम कितना अच्छा हो रहा है आज का, मौसम भी बढ़िया है, मौसम का तो एकदम सुहाना मौसम बोलते हैं इसको, सुहाना मौसम भूतों के लिए बहुत अच्छा मौसम है ये। धूप भी निकल रही, और यहाँ पे जो मतलब ये जितने भी बिल्डिंग बनी हुई थी सब पूरा 50 रुपए चार्ज है, 50 नहीं भैया, पूरा स्टोरी स्टोरी सारा वीडियो सब बनाते। सॉरी हमें कोई गाइड नहीं चाहिए, हम खुद कर सकते हैं गाइस ये। और लेकिन बट आप यहाँ पे आओ पहली बार तो जो एक्सपीरियंस होगा वो मतलब क्या गजब होगा भाई। अरे आप हो क्या? हम बात ही करते हैं उस मंदिर के बारे में, यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में बात कर रहे थे। हम बताते हैं यार, ये मतलब हमको एग्जैक्टली पता तो नहीं है, पर जो यहाँ पे बिल्डिंग सुना है, जो हमने जो बात सुनी कि यहाँ पे गए कि कोई मेला लगता था, लेकिन आप सोच सकते हो वो अभी भी लगता है, हर रात को वो मेला लगता है यहाँ पे। Breath is with the wild. I love the way you call me little child, and I will never let you go. You love the way I touch your skin with mine. We're in the sky, I can't get much more higher. You love the dream we have since we're the wild. So guys, मैं और मेरे फ्रेंड जस्ट भानगढ़ फोर्ट के सामने, और काफी अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, और चलो चलते अंदर। चलो यार चलो, गाइस सच्ची बता रहा हूँ भाई, कल तक तो अपने गुड्डू भाई बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, मतलब इनकी जो फटी हुई थी ना बिल्कुल भी रेडी नहीं था ये बंदा चलने के लिए इस भानगढ़ हॉन्टेड प्लेस पे। बट अब देखो
चिल वाइब्स। चलो अब निकलते हैं आगे, लेट्स गो। पीछे जो आप जगह देख रहे हो वो काफी देर से हमें बुला रही है, बट वो बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। पर आपके लिए गाइस जाना तो पड़ेगा, चाहे वो बुलाए ना बुलाए, आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितनी भी शांति हो बट ये है तो हॉन्टेड प्लेस, और ये एक अलग ही फील है यहाँ पे, और काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजा है यहाँ पे। बट जो बंदा यहाँ पे पहली बार आया उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग जगह है ये। आप यू मस्ट कम हियर, बस इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी तो अब अंदर चल के पता चलेगा क्या है इसके अंदर। So guys, इस जगह की स्टोरी कुछ ऐसी है, इस जगह को श्राप मिला होता है, वो अभी भी लगता है। उससे आप इस जगह की हालत देख सकते हो क्या हो रखी है, मतलब यहाँ पे तो महल तो कुछ गायब ही हो गया भाई साहब। और जिस जगह को हम महल समझ रहे थे ना, वो था क्या है, वो एक काल कोठरी है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। क्या है क्या है क्या है? काल कोठरी, काल कोठरी। इतनी देर से हम पागल हो रहे थे, महल में चलते हैं, महल में चलते हैं, ऐसे तो वही काल कोठरी है, तो किसी गाइड से पता चला हमें। महल गया, महल तो भाई साहब यहाँ से गायब हो चुका है पूरी तरीके से, मतलब जिसमें रानी इतना होती रहती थी वो महल यहाँ से गायब हो चुका है भाई साहब। और आप देख सकते हो ये कितनी हॉन्टेड जगह है, मतलब यहाँ की कहानी कुछ ऐसी है, यहाँ पे रात भर में सब कुछ गायब हो गया था, एक रात में ऐसा क्या हो गया था यहाँ पे, वो सब एक पंडित के श्राप का कमाल था। और उस टाइम पे आप जानते हो श्राप राप क्या खतरनाक चीज होती थी, तंत्र विद्या, बिल्कुल एकदम। आज के टाइम में शराब है, उस टाइम की शराब और आज की शराब में बहुत फर्क है गाइस। ये है वो काल कोठरी वाली जगह, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओ माय गॉड बैट्स, माय गॉड बैट्स, देखो गाइस ये काल कोठरी है, और इस काल कोठरी हालत तो बहुत गजब है भाई साहब, ये वाकई में एक हॉन्टेड प्लेस है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, हमने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर क्या था कि एक लड़की थी वहाँ पे शूट कर रही थी, और यहाँ पे इस जगह पे इसी जगह पे कोई खाना था, एग्जैक्टली इसी जगह पे, और यहाँ पे बहुत ही बहुत ग्रहण जी, यहाँ पे बैट्स बहुत तगड़े हैं, और यहाँ पे स्मेल बहुत तगड़ी आ रही गाइस, बहुत ज्यादा यहाँ ही। तो आप बैट्स देख सकते हो, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये बैट्स बाबू, यार बहुत ज्यादा है। ऊपर आ गए और आपको दिखाते हैं ऊपर का, और यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, बहुत भयानक, बहुत भयंकर, मतलब मास्क से भी निकल रही यार, इसलिए बिल्कुल मतलब ये 95 मास्क भी कुछ नहीं कर पा रहा। सो आपको दिखाते हैं ऊपर का। सो गाइस सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से एक बहुत ही अमेजिंग व्यू आ रहा है, इससे अच्छा अमेजिंग व्यू मैंने भांगड़ का नहीं देखा, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ सिनेमैटिक्स के बाद हमें मिले ये भैया, जिन्होंने हमारे सिनेमैटिक्स लेने में बहुत हेल्प करी है, और भैया खुद एक यूट्यूबर है, अपन चैनल क्या नाम है, जॉन फिल्म्स नाम से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और भैया से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके कहने जगह मतलब इस जगह के बारे में आप जानते हो कुछ? नहीं, मैं इस जगह पहली बार आया हूँ। हमारे से पहली बार आए, एक्सपीरियंस बताइए एक बार। यहाँ पर तो बिल्कुल अच्छा लगा घूमने से हमारे, और अपने भैया फोटोग्राफर है बहुत अच्छे, निकॉन का DSLR है, एंजॉय करेंगे साथ में, लाइक सब्सक्राइब करते जाओ।
भानगढ़ के टॉप पे खड़े हैं और भी ऊंचा था ये बट आप जानते हो शराब का कमाल। ये एंड पॉइंट जहाँ पे हम हैं इसके टॉप पे पीछे एक पहाड़ है मस्त वाला यहाँ का पीछे आप देख सकते हो ज्यादा ऊंचा है। एक ये एक भानगढ़ एक वैली में बना हुआ है जिसके चारों तरफ माउंटेन्स है मस्त वाली एकदम। और आज का मौसम इतना गजब हो रहा है कि धूप तो है नहीं इतना अच्छा है कि दो नंबर। सो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगा दिस टाइम इज परफेक्ट फॉर ट्रैवलर्स। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हो नेचर की ब्यूटी देखना चाहते हो तो ये जगह एकदम परफेक्ट है। मतलब यहाँ की दीवारों में वो बात है जो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे आप आओगे खुद तब आपको पता चलेगा बट अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे आगे पता चलेगा भाई। रात में कभी बताना पंडित निकलते हैं पंडित अच्छा टू चलो चलते भूत गाइज ये था द वर्चुअल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस ऑफ भानगढ़। और ये जगह थोड़ी सी हॉन्टेड थी मतलब एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे हॉन्टेड है हॉन्टेड है ठीक नहीं अभी भी है हाँ। और काफ़ी मज़ा आया हमको यहाँ पे खूब इन्जॉय किया हमने और शाम के बज चुके हैं चार तो हम निकल रहे हैं बेसिकली यहाँ से क्योंकि 5 बजे ये भी क्लोज हो जाता है पूरा। उसके बाद तो भगवान ही मालिक है आपका। उसके बाद तो आपका डब्बा खोलने वाला है मतलब मैं तो ये बोलूँगा भाई साहब 5 बजे से पहले पहले आपको यहाँ से निकल लेना चाहिए वरना तो भगवान मालिक बोला था 10 तो चलो सो बाय बाय लोग आपको अच्छा लगा हुआ और सब्सक्राइब कर देना चैनल लाइक कर देना इधर इधर भैया इधर हाँ सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें सो बाय बाय स्टे ट्यून मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर कमेंट करना ना भूलें टेक केयर।